दोस्तों इंटरनेट पे तो हम सभी ब्राउज करते हैं, ऐसे में बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जिनके जरिए हम इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं। तो आज की डेट में जो कॉमन ब्राउजर्स है वो है गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। तो गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स के बीच डिफरेंस क्या है, किन लोगों को गूगल क्रोम यूज करना चाहिए और किन लोगों को फायरफॉक्स यूज करना चाहिए, इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपको इसी वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडीज ट्यूटोरियल्स पे, आइए जानते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक चीजों से जो गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स के बीच है। जो मोजिला फायरफॉक्स है ये 2002 में रिलीज हुआ था, जो गूगल क्रोम है ये 2008 में रिलीज हुआ था। अगर मैं लैंग्वेज के बारे में आपको बताऊं तो जो फायरफॉक्स है ये C++, XUL, XBL, जावास्क्रिप्ट और CSS में लिखा गया है। अगर मैं गूगल क्रोम के बारे में बताऊं तो ये पाइथन और C++ में लिखा गया है। अगर मैं बिल्ट इन फ्लैश प्लेयर के बारे में आपको बताऊं तो जो फायरफॉक्स है इसमें बिल्ट इन फ्लैश प्लेयर जो है ये नहीं रहता है, इसको आप बाद में इसको प्लगइन के जरिए आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जो गूगल क्रोम है इसमें बिल्ट इन फ्लैश प्लेयर रहता है। अगर मैं आपको डिफॉल्ट सर्च इंजन के बारे में बताऊं, जो मोजिला में है ये यहाँ पे डिफॉल्ट सर्च इंजन याहू है, लेकिन जो गूगल क्रोम है यहाँ पे डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल ही है। अगर मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स या iOS या एंड्रॉयड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मोजिला फायरफॉक्स उसमें चलेगा। गूगल क्रोम भी ऑलमोस्ट वही सब चीजों में, वही सब ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में सेम ही रहता है। अगर मैं आपको बताऊं किसने गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स डेवलप किया है, तो गूगल क्रोम जो है उसको गूगल ने डेवलप किया है और मोजिला फायरफॉक्स जो है इसको आप और मेरे जैसे लोग ही इसको डेवलप करते हैं, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी में डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो भी चीजें डेवलप होता है, कस्टमाइज होता है, इसमें आप और मेरे जैसे लोग ही डेवलप करते हैं। तो इसमें बड़े बड़े एथिकल हैकर्स या फिर जो भी डेवलपर्स है तो ये पैसा डोनेट करते हैं और जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है तो वही सब डेवलपर्स ही इनको आगे लेके चलते हैं ये ओपन कम्युनिटी को। अगर मैं आपको पीडीएफ व्यूअर के बारे में बताऊं तो पीडीएफ व्यूअर भी बिल्ट इन नहीं रहता है मोजिला फायरफॉक्स में। तो आपको पीडीएफ जो व्यूअर है यहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जो गूगल क्रोम है यहाँ पे आपको बिल्ट इन पीडीएफ व्यूअर मिल जाता है। तो आप जो प्लगइन मिलता है मोजिला फायरफॉक्स में जो भी पीडीएफ व्यूअर, उसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि नेविगेशन रहता है वहां पे, पेज नंबर रहता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं गूगल क्रोम को अगर हम कंपेयर करेंगे। अगर अभी हम आते हैं कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे थीम्स आपको मिल जाएगा मोजिला में, जहां पे आप उसको अच्छी तरह कस्टमाइज कर सकते हो। गूगल क्रोम में इतनी कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिल सकता है। अगर मैं रैम कंजप्शन के बारे में बताऊं तो जो गूगल क्रोम है यहाँ पे आपको सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी मिल जाता है। सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी में होता यह है कि आप जब भी टैब, दूसरा टैब खोलते हो, कोई भी गूगल क्रोम में अलग टैब खोलोगे तो वो एक दूसरा प्रोसेस में चल जाएगा, एक अलग प्रोसेस होगा वहां पे। अगर आप ऐसे में कोई भी सिंपल सा प्रोसेस, कोई एक टैब खोलते हो तो यूजुअली वो एक प्रोसेस में ही चलता है, लेकिन गूगल क्रोम सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी के जरिए आप अगर कोई दूसरा टैब वहां पे खोलते हो तो वो एक दूसरा प्रोसेस वो ले जाता है, जो गूगल क्रोम है ये एक दूसरा प्रोसेस की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। तो ऐसे में जो भी मेलवेयर या फिर मेलिशियस कंटेंट दूसरे साइट से आएगा तो वो वही टैब से ही आएगा और आपको दूसरे टैब में इसकी कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मैं आपको बैटरी के बारे में बताऊं तो जो मोजिला फायरफॉक्स है इसमें कम बैटरी यूज होता है, गूगल क्रोम में बहुत सारे बैटरी कंज्यूम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेमोरी है, मेमोरी में भी बहुत सारे कंजप्शन होता है और जो रैम है ज्यादा यूज होता है एक गूगल क्रोम में। दोस्तों मैं आपको एक लूप होल के बारे में बता दूं जो कि गूगल क्रोम में पहले था, लेकिन अभी तो वो ठीक हो गया है। वो जो लूप होल है वहां पे होता ये है कि आपका जो भी पासवर्ड है अगर आप गूगल क्रोम के ब्राउजर में देते हो तो वो पासवर्ड सेव हो जाता है आपके गूगल क्रोम के ब्राउजर पे। तो कोई भी आके जो सेटिंग्स होता है गूगल क्रोम पे, वो सेटिंग्स में जाके पासवर्ड सेक्शन में जाके आपके जो भी पासवर्ड्स वहां पे दिया हुआ है वो बहुत ही आसानी से उसको मिल जाएगा। तो ऐसे में वो आपका ब्राउजर हैक हो सकता है, आपके पासवर्ड उनको पता चल जाता है वैसे में। तो ये लूप होल अभी तो फिलहाल ठीक है, इसको पैच कर चुके हैं जो गूगल के डेवलपर्स है, लेकिन पहले ये एक लूप होल गूगल क्रोम में था। तो दोस्तों आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ, जो मोजिला फायरफॉक्स है ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही फास्ट है, इसमें सिक्योरिटी का भी इश्यू नहीं रहता है। आपको अगर कस्टमाइज्ड ब्राउजर अच्छा लगता है तो मोजिला फायरफॉक्स आपके लिए
अच्छा ऑप्शन है, वहां पे बहुत सारे कस्टमाइज्ड थीम्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको राम का कोई भी इश्यू नहीं है तो यहाँ पे आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे राम कंजप्शन ज्यादा है, पर फिर भी आपका अगर राम का कुछ भी इश्यू नहीं है, आप कस्टमाइज करके इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे भी बहुत सारे एडन्स एक्सटेंशंस अभी आ गए हैं, लेकिन ज्यादा एडन्स जो है वो मोजिला फायरफॉक्स में भी है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल पर, ताकि आप जुड़े रहे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों से। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।